एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आज सिखाऊंगी ये न्यू डिजाइन का ब्लाउज। ये देखें कितना सुंदर बना हुआ है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ, सीखते हैं न्यू डिजाइन का ब्लाउज। उसके लिए ये हमने 100 ग्राम बुन ली है और ये 75 ग्राम। तो इस तरह से हमने बुन ली है। सिंगल बुल में धागा डालेंगे, इस तरह से फिंदे डालेंगे सिंगल बुल में। इस तरह से हम फिंदे डाल लेते हैं। तो इसमें मैं 62 फिंदे डालूंगी। और ऊपर की साइड पे हम इसमें फिंदे बढ़ा लूंगी, जिस तरह से हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि किस तरह से फिंदे बढ़ाए जाते हैं। तो अब की बार मैं फिंदे बढ़ाना नहीं बता रही हूँ, तो इसलिए 80 से 86 फिंदे तक इसमें हो जाएंगे ऊपर तक, तब 34 और 32 नंबर वालों को ये आएगा। अगर 32 का बनाएं तो 82 फिंदे रखें, और अगर 34 का बना रही हैं तो 4 फिंदे और बढ़ा लें। इसी तरह से मैं फिंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आगे की आपको डिजाइन बताती हूँ। डालूंगी है और एक सिलाई को मैंने इसमें से निकाल लिया है इधर से। ये देखें सीधी सीधी, इधर मेरी सीधी साइड है तो इधर उल्टा साइड। अब देखें हम व्हाइट कलर लगाएंगे। ये देखें इस तरह से व्हाइट कलर लगा लिया। अब हम इस तरह से, पहले हम इधर को उल्टी निकाली है, इधर हमारा सीधा साइड सीधी है, उल्टी साइड है ये, तो सीधा निकाला है। तो अब हम इधर से इस तरह से निकालेंगे। पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखो हमने पूरी रो कंप्लीट की। इधर से भी हमें इसी तरह से निकालना है। ये देखें इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखो हमने ये भी रो कंप्लीट की। अब हम इस वाले कलर से बनाएंगे। पूरी रो इधर से और उधर से, दो सिलाई हम इसमें से निकालेंगे, फिर मैं आपको दिखा। अब देखो इसमें हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। इस फिंदे को उतार लेंगे, अपनी साइड धागा करेंगे, यहाँ पे एक जाली बनाएंगे। अब देखें दो फिंदे हम उल्टे बनाएंगे, तरह से बैक साइड धागा कर लिया। यहाँ पे देखें एक फिंदे में हम 5 फिंदे बनाएंगे इस तरह से। ये देखें 5 फिंदे बना लिए, बैक साइड कर लिया इसको, और इसको एक एक फिंदे करके हम बुनेंगे। इधर से बुन लेंगे, एक बार हम सीधी साइड से बुनेंगे और दो बार हम बैक साइड से बुनेंगे। अब यहाँ से एक फिंदे को लेंगे, इस पे उतार देंगे। फिर से देखें उसी तरह से इस वाले फिंदे को इस तरह से रखेंगे। ये देखें ये 4 फिंदे हमने उतार दिए। ये देखें इस तरह से इसको हम खींच देंगे और अपनी साइड धागा कर लेंगे। अब हम दो फिंदे फिर से उल्टे बुनेंगे, एक यहाँ पे। अब फिर से देखें, फिर इस पे हम उसी तरह से करेंगे, एक फिंदे में हम 5 फिंदे बनाएंगे। ये देखें सीधी साइड से बुन लेंगे, सॉरी उल्टी साइड से बुनेंगे पहले, फिर एक बार हम सीधी साइड से बुनेंगे।
फिर बैक साइड से अब फिर से हम इस वाले आगे वाले फिंदे से ये चार फिंदे बैक साइड पीछे साइड के हैं उनको हम इसी फिंदे पे इस तरह से उतार देंगे। अब यहाँ पे फिर से देखें दो उल्टे रहेंगे, फिर से देखें यहाँ पे हम यही बबल्स बनाएंगे, एक फिंदे में पांच फिंदे। देखो उल्टी साइड से हम सारे फिंदे इसी तरह से पांचों बिन लेते हैं जो पांच फिंदे बने हुए होते हैं, फिर सीधी साइड से बुनेंगे। फिर देखें उल्टी साइड से बुनेंगे, दो बार उल्टी साइड से बुनना है, एक बार हमें सीधी साइड से बुनना है, तो ये डिजाइन आपकी पड़ जाएगी। अब फिर से देखें आगे वाले फिंदे पे हम चार फिंदे इस तरह से उतार देंगे, ये देखें। अब यहाँ पे देखें फिर से हम दो फिंदे उल्टे बनाएंगे दो। अब यहाँ पे देखें एक फिंदे को हम सीधा बनाएंगे, एक इधर सीधा है तो मेरा एक इधर सीधा है। अब देखें बीच में हम जाली बनाएंगे एक फिंदे पे, इधर जाली, अब इधर मेरा ये सीधा फिंदा हो गया। अब दो उल्टे फिर से हो जाएंगे और इस पे हम बबल्स डालेंगे, जिस तरह से हमने इस पे डाला है इसी तरह से इस पे भी डालेंगे। एक फिंदे में पांच फिंदे, तो इसी तरह से ये बबल्स पड़ते जाएंगे। ये देखो ये तीन तीन की ये है, तीन तीन हम बबल्स बना रहे हैं और ये बीच में दो दो फिंदे उल्टे रहेंगे और एक एक फिंदे को हम लास्ट में, इधर सीधा है तो इधर भी हमें सीधा रखना है, एक मेरा बीच में सीधा है। तो इस तरह से हमने ये डिजाइन डालेंगे, ये देखें ये भी हमने सीधा कर लिया। दो फिंदे हम इसी तरह से फिर से बिनेंगे उल्टे, इस पे बबल्स डालेंगे, ये देखें इस तरह से। तो मैं डाल लेती हूँ फिर आगे का आपको बताती हूँ। बना ली है, अब यहाँ पे हमारे दो फिंदे कम पड़ गए तो दो फिंदे हम बढ़ा लेंगे, इसको उल्टा बुनेंगे फिर यहाँ से एक फिंदे को हम बढ़ाएंगे, ये देखें। अब हम बैक साइड करेंगे तो इस वाले फिंदे को बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे दो फिंदे हमने बढ़ा लिए। अब अपनी साइड धागा करेंगे, यहाँ पे एक जाली सिर्फ बनाएंगे, दोनों साइड जाली एक एक बनेगी। अब उल्टी साइड है, यहाँ पे अगर फिंदे दो चार या चार या छह से फिंदा कम पड़ रहे हैं, यहाँ पे आपकी ये तेरह फिंदे हैं, जो तेरह फिंदे की ये डिजाइन है, तो ये यहाँ पे अगर कम पड़ रहे हैं तो आप बढ़ा लें, तो ये डिजाइन अच्छी लगेगी। अगर आपने इधर उधर कर दी डिजाइन तो ये अच्छी नहीं लगेगी। और साइड साइड पे हम एक ही एक जाली डालेंगे, एक डाली हर सीधी सिलाई में ये डिजाइन पड़ती है। ये उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा उल्टा इसी तरह से बुनना है। मैं बुन लेती हूँ, उल्टी सिलाई मैंने कंप्लीट की। अब फिर से देखें यहाँ पे, अब इस वाले फिंदे को जो जाली वाला फिंदा था उसको हमने बिन लिया, अब दो फिंदे बिन लिए, इस पे हम जाली डालेंगे जो हमारा साइड साइड से सीधा फिंदा चल रहा। अब दो उल्टे होंगे, यहाँ पे जो बबल्स डाल रहा है ये सीधा फिंदा है। अब देखें यहाँ पे हम एक फिंदे को बनेंगे उल्टे को। अब यहाँ पे देखें ये बीच से हमने इस तरह से सिलाई डालेंगे बीच वाले फिंदे से और इस तरह से इसको पलट देंगे, तो ये चैन चलेगी बीच में, तीन का एक हो जाएगा, ये देखें। फिर एक उल्टा है, फिर एक सीधा,
फिर दो उल्टे, फिर सीधा। यहाँ पे देखें अपनी साइड धागा कर लिया, जो बड़े हुए फिंदे हैं उन्हें हम बीच में सीधा बुनेंगे इस तरह से। इसी तरह से ये पूरी रो निकालेंगे, जो उल्टे हैं वो हम उल्टे बनाएंगे, सीधे हैं तो सीधे बनाएंगे, और बीच में ये चैन चलेगी। ये देखें एक फिंदा को हमने बुन लिया। यहाँ पे इस तरह से फिर से करेंगे, ये देखें जो सीधा है हम सीधा बुनेंगे, उल्टे हैं तो हम उल्टे बुनेंगे। साइड से मेरा सीधा प्लेन चल रहा है, जो जाली है वो हम जाली बनाएंगे। साइड साइड से एक एक फिंदे को हम बढ़ाते जाएंगे और बीच में फिंदे ये सादा चलेंगे। ये इसी तरह से पूरी रो हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आगे का आपको बताऊंगी। आप देखें यहाँ पे, देखें तीन फिंदे हो गए साइड पे, फिर से जाली, और दो फिंदे उल्टे हैं तो हम उल्टे बना लेंगे। अब हम एक फिंदे को यहाँ पे सीधा बुनेंगे, यहाँ पे एक उल्टा बचा हुआ है, तो इस तरह से हम इसको तीन फिंदों का एक फिंदा करेंगे। एक इधर से उल्टा ले लिया, एक इधर से उल्टा ले लिया और बीच में ये चैन वाला फिंदा इस तरह से। अब ये सीधे हैं तो इसी तरह से यहाँ तक हमें करना है, जो उल्टे वाले सारे फिंदे हम इसी तरह से एक एक करते हुए कम करेंगे, जो साइड के हमने ये रखे हैं, जो सिर्फ एक ये फिंदा बचेगा, एक इधर से एक इधर से सीधा। फिर मैं आपको आगे का बताऊंगी। मैं कर लेती हूँ इस तरह से, इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये डिजाइन और बहुत जल्दी बन जाती है, बनेगी इसी तरह से। ये साइड साइड से जाली चलती रहेगी, ये देखें इस तरह से एक बार और देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये देखें इस तरह से यहाँ पे तीन का एक करते जाएंगे, अब यहाँ पे जो सीधे सीधे आ गए हैं तो हम सीधे सीधे कर लेंगे आपकी सिलाई में। तो इसी तरह से ये कम होते जाएंगे फिंदे और बीच में फिंदे बढ़ते जाएंगे। ये आखिरी वाला फिंदा कम करेंगे, ये देखो। अब हम यहाँ पे जाली नहीं बनाएंगे, नहीं तो एक एक फिंदा मेरा बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें हम तीन का एक ये कर देंगे, जो शुरुआत में हम तीन का एक नहीं करते हैं, सिर्फ हम ये बबल्स डालते हैं सीधी सीधी लाइन पे। तो वहां पे मेरा एक फिंदा, एक एक फिंदे को हम बढ़ा लेते हैं और ऊपर की साइड पे हम फिंदा नहीं बढ़ाएंगे जब तीन का एक करेंगे लास्ट वाला फिंदे को। ये देखें ये लास्ट वाला है जिस पे मैंने बबल्स नहीं डाला है, सिर्फ हमने तीन पे डाला है, तीन जो सीधे फिंदे हैं उन पे, और तीन का एक कर देंगे। इसी तरह से हम पूरी रो को बनाएंगे। ये देखो पूरी डिजाइन हमने बना ली है, ये डिजाइन इसी तरह से हमने कंप्लीट की। अब देखें अब हम व्हाइट कलर पे बनाएंगे डिजाइन इस तरह से। अब इस वाले कलर से नहीं बनाएंगे, जब हम व्हाइट की बना लेंगे फिर उसके बाद ये वाला कलर लगाएंगे। ये दो कलर से हम डिजाइन बनाएंगे, तो उल्टी सिलाई इस तरह से व्हाइट कलर से। तो मैं निकाल लेती हूँ। अब देखो यहाँ पे किस तरह से बनाएंगे, जिस तरह से हमने नीचे स्टार्ट करी थी उसी तरह से करना है। ये देखें इस तरह से दो फिंदे उल्टे, इस पे बबल्स डालेंगे इस तरह से, एक फिंदे में पांच फिंदे, इसको हम पलट लेंगे। सीधी साइड से बुनेंगे आप,
ये देखें इस वाले फंदे से हम इस तरह से चार फंदे ऊपर से इसके उतार देंगे। अब देखें यहाँ पे देखें देखें दो फंदे इस तरह से। अब ये देखें जिस पे हमने ये वाली डाली थी तो ये देखें बीचम बीच पे आ गई है, तो इस पे हम फिर से डाल देंगे। ये इसी तरह से डिजाइन बनेगी। मैं ऊपर तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ।